हरे कृष्णा, मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम सूर्य देव की रेमेडीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी प्लैनेट की रेमेडीज़ करने से पहले उस प्लैनेट के बारे में जानना, उसकी विशेषताएं और उसकी नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सूर्य देव इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली प्लैनेट है। सूर्य देव के आसपास सभी प्लैनेट अपने ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं। सूर्य देव एक ऐसे प्लैनेट है जो पूरी धरती पर जीवन देते हैं। ये जो नेचर, ये पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सूर्य देव की वजह से ही जीवित है। ठीक है, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, इन्हें जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होती है, लेकिन सूर्य के बिना, सनलाइट के बिना ये पेड़ पौधे, ये नेचर, ये जीव जंतु इस दुनिया में नहीं हो सकते। यहाँ से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि सूर्य देव जो है वो लाइफ गिविंग है, वो जीवन देते हैं। तो उनके उपाय भी ऐसे ही होने चाहिए जो लाइफ गिविंग हो। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी धरती में लाइफ गिविंग क्या है? हमारी धरती में लाइफ गिविंग है कि अगर हम किसी की सेवा करते हैं, किसी को खुशी देते हैं, किसी को कुछ खाने को देते हैं। इसीलिए बहुत से पंडित कहते हैं कि आप आटा दान कर दीजिए, आप गुड़ दान कर दीजिए, क्योंकि वो शुगर है, खाना है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रेमेडीज़ हैं जो हमने अपने क्लाइंट्स पे हमने टेस्ट की हैं, और उन रेमेडीज़ के हमें 200% रिज़ल्ट मिले। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है बीमारों का इलाज करवाना। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसको दवाई दें, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है उसकी मदद करें, अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करें। देखिए, होता क्या है कि हमें जब कोई रेमेडी बताता है कि आप बीमार लोगों की मदद करें या दवाई का दान करें, तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर में बची हुई मेडिसिन जो हैं वो किसी सिविल हॉस्पिटल में या चैरिटेबल हॉस्पिटल में दे आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम। अपनी मेडिसन्स का, अपने लाइफ जो है उसका अपने घर से शुरू करें। सबसे पहले अपने माँ बाप की मेडिसन्स का आप ध्यान रखें। जिन लोगों को यही नहीं पता कि उसके मदर या उसके फादर कौन कौन सी मेडिसन लेते हैं, आज उन्होंने ली भी कि नहीं ली, कभी कभी इतनी सारी मेडिसन्स होती हैं आपका मन नहीं करता मेडिसन लेने को, तो आप जाएँ, उन्हें काउंसिल करें, उनको प्यार से समझाएं, और जो भी उनकी मेडिसन्स हैं उनको मोटिवेट करके उनके खिलाएं, उनकी सेवा करें। हस्बैंड वाइफ की सेवा करें, वाइफ हस्बैंड की सेवा करें, एक दूसरे की मेडिसन का ध्यान रखें, एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखें। इसी प्रकार अगर हॉस्पिटल में भी आप जाते हैं तो आप अपनी दवाइयाँ ऐसे ही मत दे आएँ या पैसे ऐसे ही मत दे आएँ। जिसका इलाज आप करवाना चाहते हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन देखें, अगर उसको और इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है तो उसको और इन्वेस्टिगेशंस कराएं। आप देखें कि उसको कितने दिनों की मेडिसिन की ज़रूरत है, उस पर खर्चा करें, उसका इलाज करवाएं, उसको ज़िंदगी दें। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, वो एग्जैक्ट रेमेडीज़ हैं सूर्य देव की, क्योंकि उनकी नेचर ही है जीवन देना। और आप अगर किसी की कोई नेचर है कुछ करना, आप उस तरह से करने लग जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, आप गुड़ दें, आप आटा खिलाएं, आप मंदिरों में जाएं, आप सूर्य देव को नमस्कार करें, लेकिन अगर आप उनसे वाकई जीवन के अंदर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप दूसरों को जीवन देना शुरू करें। मैंने देखा है बहुत से लोग एक्सीडेंट पर सड़क पर पड़े रहते हैं, या कोई जीव जंतु, कोई जानवर जिसके चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, सड़क पर है, लोग पास से निकल जाते हैं ये सोच के कि हे भगवान इसको शक्ति देना इस चीज़ से लड़ने की। लेकिन अगर आप समर्थ हैं तो आप रुक जाएं, उस जीव जंतु की मदद करें, उसकी हेल्प करें, उस समय सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। कोई भी सरकारी काम, गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ काम, सरकारी नौकरी, आपकी इज्जत सम्मान इस ब्रह्मांड में सूर्य की शक्ति और सूर्य देव की वजह से है। तो सोचें, गहराई से सोचें कि आप किसी की मेडिकली अगर आप हेल्प करते हैं तो उससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। अब अगर आपने मेडिकली हेल्प की, कुछ दवाइयाँ दी, किसी का इलाज करवाया, तो बहुत से लोग जो है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे उसको डाल देते हैं। देखिए, उनका एस्पेक्ट ये है कि उनको लगता है कि ये सब करने से लोग और मोटिवेट होंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे और मदद करेंगे। ये एस्पेक्ट ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, जो दान पुण्य है,
वो आपके और आपके भगवान के बीच में एक MOU, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो सामाजिक नहीं होना चाहिए। आप मदद करें, भगवान जानता है कि आप मदद कर रहे हैं, आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है उसको वहाँ पर लाने की, किसी फेसबुक किसी कैमरा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फेसबुक और कैमरा के लिए ज्ञान बना है, आप अगर ज्ञान देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लोगों को मोटिवेट उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो सुगंध है, जो खुशबू है, वो फैल के ही रहती है। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा काम लोगों तक पहुँच ही जाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण था सूर्य की रेमेडीज़ के ऊपर। आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, आप करके देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। टिल देन, हरे कृष्णा, आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी वेरी मच।